हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। तुम्ही केमन आछो, आम्ही बालवशी। आज हम चिटागोंग सिटी, द लार्जेस्ट पोर्ट सिटी ऑफ बांग्लादेश, लार्जेस्ट पोर्ट सिटी, हाँ वो तो हमें पता है। और इसको जो है वो चिटागोंग भी कहते हैं और चिटाग्राम भी कहते हैं। चिटाग्राम भी कहते हैं। चिटाग्राम मेरे ख्याल में चिटागोंग में एक सिटी है। सिटी है जो कि बहुत ज्यादा डेवलप है, वहाँ एक्सप्रेस वे भी बने, बहुत ज्यादा चीजें बनी है। तो आज एक डिटेल वीडियो आपके लिए हम लेकर आए हैं चिटागोंग पे। बहुत ज्यादा लोग जो है हमें चिटागोंग से देखते हैं, हमने वहाँ पर स्ट्रीट फूड हर एक जो है रिएक्शन वीडियो बनाई थी, तो अमेजिंग वीडियो होने वाले। चैनल पे नए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट भी करें। चलिए जी, करते हैं चिटागोंग सिटी का टूर बिना टाइम वेस्ट के, वीडियो को शुरू करते हैं। बीच दोस्तों, यह है चिटागोंग शहर जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी माना जाता है। ये शहर बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जो बंगाल की खाड़ी और चिटागोंग के बीच में मौजूद है। ग्रेटर चिटागोंग की टोटल पॉपुलेशन लगभग 5.2 मिलियन है। इस शहर के लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, साथ ही इस शहर की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था भी बांग्लादेश में सेकंड लार्जेस्ट है। चिटागोंग पोर्ट यानी बंदरगाह को दुनिया के सबसे पुराने प्राकृतिक बंदरगाहों में भी गिना जाता है। चिटागोंग बंदरगाह को एंशियंट ग्रीक और रोमन वर्ल्ड मैप्स में भी देखा गया है, जो सिल्क रूट के सदर्न ब्रांच के ऊपर दर्शाया गया है। 14th सेंचुरी में ये बांग्लादेश मुस्लिम रूलर्स के अधीन आ गया था, जब ये इलाका दिल्ली सल्तनत के अंडर हुआ करता था। कहा जाता है कि मुस्लिमों के 9th खलीफा ने इस पोर्ट को एक ट्रेडिंग पोर्ट बनाया था। ये शहर आज से लगभग 684 वर्ष पूर्व 1340 में बसाया गया और 1863 में इसे एक प्रॉपर शहर का दर्जा दिया गया। पूरा चिटागोंग मेट्रो एरिया लगभग 655 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है, जो समुद्र तल से लगभग 29 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। बांग्लादेश में रिसेंटली 2023 में ही डेमोग्राफिक सर्वे हुआ है, जिसमें यहाँ की आबादी लगभग 53,80,000 के आसपास पाई गई, और पूरे मेट्रोपोलिस की बात करें तो लगभग 82 लाख से अधिक आबादी पाई जाती है। इसे दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड शहरों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ इस शहर में हर एक वर्ग किलोमीटर के इलाके में 32,000 लोगों की जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा लगभग 87% आबादी में इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं, वही 11% के आसपास हिंदू और 1.5% लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। वही इस शहर के लगभग 98% लोग बंगाली को अपनी मातृभाषा मानते हैं। इसके बाद 1% से अधिक लोग यहाँ बर्मीज लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इस शहर से म्यांमार देश काफी करीब पड़ता है। अगर इस शहर की इकोनॉमी की बात करें तो पूरे बांग्लादेश की GDP का 12% अकेला चिटागोंग शहर से आता है। बांग्लादेश के कुल इंडस्ट्रियल आउटपुट का लगभग 40% अकेला चिटागोंग शहर में ही बनता है, साथ ही देश के कुल इंटरनेशनल ट्रेड का लगभग 80% इसी शहर से होता है। सरकार की कमाई भी लगभग 50% अकेले चिटागोंग शहर से आती है। 2015 के आंकड़े के मुताबिक चिटागोंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड लगभग 700 कंपनियां $32 बिलियन की वर्थ रखती हैं। 2011 में चिटागोंग पोर्ट से लगभग $60 बिलियन की ट्रेड हुई थी, जो साउथ एशिया में मुंबई और कोलंबो के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। साथ ही ये शहर पुराने सदर्न सिल्क रूट पर मौजूद है, जो स्वेज कनाल से दुनिया के बाकी हिस्सों में सामान पहुंचाने में मदद करता है। इस शहर की ग्रोथ को देखते हुए और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ की सरकार ने काफी बिल्ड किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तरह ही इस शहर में भी बड़े बड़े रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ का नेशनल हाईवे नंबर 1 इसे ढाका से जोड़ता है, जिस पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। इसे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हाईवेज में से एक माना जाता है। ये नेशनल हाईवे एशियन हाईवे नंबर 1 का पार्ट है। यहाँ पर रेलवे की भी सुविधा मौजूद है। यहाँ के परतली थाना रेलवे स्टेशन से ढाका, सिलेट, कोमिला जैसे मेन जगहों तक ट्रेन मिल जाती हैं। इसके अलावा चिटागोंग में शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जो इस शहर का इकलौता एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट हर साल लगभग 15 लाख पैसेंजर्स और 6,000 टन कार्गो को हैंडल कर सकता है। World War II के दौरान इसे चिटागोंग एयरफील्ड के नाम से जाना जाता था, जो 1972 में ऑफिशियली बांग्लादेश लिबरेशन के बाद एक एयरपोर्ट बना दिया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या बात है यार, काफी ज्यादा फैक्ट जो है हमें पता चले। मतलब क्या मतलब, ये जो अगर ये पाकिस्तान के साथ था तो ये एयरपोर्ट तब तक मेरे ख्याल से तब तक शुरू नहीं होगा या फिर चल नहीं रहा होगा। ये जो एयरपोर्ट की बात अभी की है, क्योंकि
पहले तो वर्ल्ड वॉर टू की बात की जाए तो वो तो हुई थी शुरू तकरीबन 1939 से 1945 तक, और फिर बाद में मेरे ख्याल से इसको जो है वो किया होगा, शायद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस पे इतना ध्यान दे दिया होगा हाँ, हो सकता है बिल्कुल यार, काफी पुराने एयरपोर्ट लग रहा है। हाँ पुराना एयरपोर्ट है, 15 लाख, और जो कार्गो का भी जो है मतलब अगर कैपेसिटी देखी जाए काफी अच्छी है, और डेंसिटी पॉपुलेशन 1 किलोमीटर में 32,000 लोग रहते हैं। वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताए कि ये सच है या नहीं, मतलब हाँ, 1 किलोमीटर तो बहुत कम एरिया होता 1 किलोमीटर तो यार बहुत कम है यार है ना। एरिया, वो अगर 1 किलोमीटर तो इतना है नहीं, मतलब इसके अंदर जो मतलब ये 32,000 लोग, ये हाँ तो नहीं ये भी बनता। हो सकता है कि फिर बड़े बड़े फ्लैट्स हो हाँ और उसमें जो है लोग रहते, क्योंकि हमने देखा था वहां पर चिटागोंग में जो है वहां पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स हाँ वहां पर बनाई गई है, वो भी हो बिल्कुल सकता है। और दूसरी बात ये, जो हाईवे के बाद अभी एक्सप्रेस वे जो है ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल चटागोंग एक्सप्रेस हाँ वे, जो कि जोड़ेगा तक कोक्सिस बाजार को भी जोड़ेगा, पोर्ट एरिया को भी जोड़ेगा, हाँ काफी लेंदी जो है वो एक्सप्रेस वे वहां पर बनाया जा रहा है। यार मैं समझता हूँ कि अगर बांग्लादेश की अगर आबादी चिटागोन की अकेले मतलब हाँ दिन ब दिन अगर बढ़ रही है, तो इसकी मेन वजह भी यही है क्योंकि ये बिजनेस हब है हाँ चिटागोन, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट एरिया ट्रेड हो रहा है वो बांग्लादेश के चिटागोन पोर्ट से होता है, सही तो बात यहाँ पे लोग बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, तो हाँ इस वजह से लोग मतलब काफी मतलब बांग्लादेश के और सिटी से लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आबाद होते हैं, तो ये भी एक मेन वजह हो सकती है। सही बात है। और ये भी है कि हमने एक सर्वे देखा था उसमें ये भी बताया गया कि चिटागोंग जो है वो अनकरीब जो है अगर जीडीपी के लिहाज से देखा जाए या और चीजों के लिहाज से तो वो ढाका को पीछे छोड़ देगा, हाँ मतलब ऐसा बताया गया है, क्योंकि पोर्ट एरिया एक और भी जो है बांग्लादेश में बनने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो कैपेसिटी है चिटागोंग पोर्ट की वो बहुत कम है, मतलब जितना टेक्सटाइल और इंडस्ट्री जो मतलब चीजें जो बांग्लादेश एक्सपोर्ट करते हैं काफी ज्यादा बोझ है, मतलब पूरी कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो पोर्ट एरिया से होता है इधर चिटागोंग से, तो हाँ एक और पोर्ट एरिया भी बनाया जाएगा। और चट्टागोंग जो है मेरे ख्याल से अगर पैसों के जनरेट मतलब जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो फिर चट्टागोंग मेरे ख्याल से आने वाले सालों हाँ में शायद ढाका को जो है वो थोड़ा ऊपर मतलब जो ढाका से बिल्कुल ऊपर यार, जाए। अभी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट ये सिटी है सेकंड चिटागोन, लार्जेस्ट और अकेले 50% अगर गवर्नमेंट मुनाफा करती है तो सिर्फ अकेले चिटागोन से ही करती है। हाँ सही बात है, 10% जो है वो हाँ चट्टागोंग से आता है। 12%। हाँ और दूसरी बात यह है कि मतलब इसका बॉर्डर जो है म्यांमार से भी लगता है, हाँ जो सेंट मार्टिन बीच है उससे भी लगता है, तो वहां पर खैर, और मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो पानी की तरफ यही है, तो यहाँ पर नेवी जो है बांग्लादेश की है वो भी यहाँ पर मतलब जो है अपना काम जो है वो करती है, तो बिल्कुल देखा जाए जो टेक्सटाइल जितना भी बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होता है वो चटागोंग के पोर्ट एरिया के थ्रू ही होता है, बिल्कुल मतलब अगर आप ढाका को देखा जाए तो ढाका तो लैंड लॉक है ना, वहां पर तो मतलब कोई शिप आ नहीं जा सकती, हाँ और एक चिटागोंगी है जो नीचे आता है जिसके साथ बॉर्डर लगता है म्यांमार का और इंडिया का, मतलब लगता है इंडिया का तो मतलब तीनों बॉर्डर लगते हैं बांग्लादेश और म्यांमार का एक साइड पे जो है वहां पर हाँ लगता है। या अगर म्यांमार का जो बॉर्डर लगते हैं तो ये भी बताया गया है कि 99-98% लोग वहां बंगाली जुबान को तरजीह देते हैं, हाँ सही और बात तो 2% जो है वो म्यांमार का जुबान बोलते हैं, तो हाँ मेन वजह भी यही क्योंकि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो नजदीक है। यार हाँ इसमें एक और बात बताई गई है कि एशिया का सबसे डेंजरस हाईवे वो मतलब चिटागोन में है, तो ये हाँ बात सच है यार? यार मुझे लगता है शायद ट्रैफिक के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से हाँ हो सकता है। ट्रैफिक के लिहाज से शायद हाँ ये, और ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है चटागोंग एक्सप्रेस वे एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, हाँ तो मेरे ख्याल से ये उसी के लिए बनाया गया है ताकि ट्रैफिक जो है कम हो सके, मुझे ट्रैफिक का बोझ तो कम ऐसे ही लगता हो। है। शायद फिर ये हाईवे इतना रिस्की होगा, या तो ट्रैफिक ज्यादा होगी या तो फिर ओवर स्पीडिंग होगी, ये भी हो सकता है, मतलब वहां पर बिल्कुल तो ओवर स्पीडिंग भी हो सकती है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या फैक्चर फिगर है, और ये तो काफी लेटेस्ट मतलब बनाई गई, पुरानी भी नहीं है, लेटेस्ट हाँ लेटेस्ट वीडियो है। लेटेस्ट चीजों पे बनाई गई है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखे, अल्लाह हाफिज। टेक केयर।